चिट फंड कारोबार के मकर जाल में फंसी ललितपुर की भोली वाली जनता। प्रकृति रक्षक निधि लिमिटेड कंपनी द्वारा निवेशकों के करोड़ों रुपए डकारे गए। ललितपुर की इलाइट चौराहे पर स्थित इलाइट टॉकीज की तीसरे माले पर खोला गया था प्रकृति रक्षक लिमिटेड कंपनी का कार्यालय। कंपनी के मालिक का नाम मनोज कुशवाहा, पुत्र सुंदरलाल, निवासी रानीपुरा तालवेट, हाल निवासी इंदौर बताया जा रहा है। इसके साथ साथ अभिषेक यादव, पुत्र इंदर सिंह यादव, निवासी बादीवर थाना जखोरा, पुष्पेंद्र यादव, पुत्र हरिराम यादव, निवासी देवा माता, तथा 2018 में ललितपुर में खोली गई ब्रांच के ब्रांच मैनेजर का नाम भगवान दास कुशवाहा, पुत्र हरलाल कुशवाहा, निवासी ग्राम मड़वारी, जिला ललितपुर बताया जा रहा है। कंपनी में काम कर रहे एजेंटों ने शिकायत पत्र देकर कार्रवाई करने की मांग की है ललितपुर SP प्रमोद कुमार से। 21 मार्च 2020 से लॉकडाउन के बाद से ही ऑफिस नहीं खुला है। लगातार जमाकर्ता हो रहे हैं परेशान। इसके साथ साथ एक जानकारी और निकल कर आ रही है कि मनोज कुशवाहा ने इंदौर में OYOS मार्केटिंग कंपनी चला रहा है। इसके साथ साथ अभिषेक यादव, पुत्र इंदर सिंह, जो PRC प्राकृतिक रक्षक गुप्त आप कंपनी के नाम से मध्य प्रदेश में एक चिटफंड कंपनी चला रहा है। दोनों भगोड़े उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश में अपना गोरख धंधा चला रहे हैं और यहाँ के जमाकर्ता और उनके कार्यकर्ता परेशान हो रहे हैं एक एक रुपए के लिए भुगतान ना होने के कारण। अब देखने वाली बात यह होगी कि ललितपुर पुलिस इस पूरे प्रकरण को कब तक खुलासा करती है, साथ साथ इन अपराधियों को कब तक गिरफ्तार करती है और भोले भाले लोगों का पैसा कब तक दिला पाती है। मेरा नाम संध्या माली है और मैं तालवेट की निवासी हूँ और ये प्रकृति रक्षक निधि लिमिटेड कंपनी है जो हमारा और हमारे जैसे कई लोगों का करोड़ों रुपए लेकर भाग गई है। मार्च 2021 में सब जगह ऑफिस पहले खुले हुए थे लेकिन मार्च 2021 में जो लॉकडाउन लगा 22 तारीख हुआ तब से एक भी ऑफिस ओपन नहीं हुआ, सब बंद है। और अगर ओनर से बात करते हैं कंपनी के तो उन लोग मतलब कोई भी ऐसा रिप्लाई नहीं करते, कोई भी ऐसा जवाब नहीं देते जो सेटिस्फेक्शन हमें मिले कि हाँ इतने। अगर मतलब कोई ज़्यादा कहता है उनसे कि भाई हम पैसे दो, हम लोग परेशान हैं, तो मतलब ये हो जाता कि हम 2 महीने बाद देंगे, 4 महीने बाद देंगे। जब से 2021 से मार्च के बाद 6 महीने अभी निकल चुके हैं लेकिन अभी एक भी व्यक्ति का, इतने सारे लोग आपके सामने खड़े हैं, एक भी लोग का पैसा नहीं मिला। कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी करती क्या? कंपनी RD FD MIS सेविंग अकाउंट खोलती है लोगों के और इसी मतलब उसके चलते और सबका पैसा जमा कराती है। और किसके माध्यम से? एजेंटों के माध्यम से। एजेंटों के माध्यम से। उसमें क्या एजेंटों को क्या मिलता है? एजेंटों को कुछ परसेंट देते हैं ये लोग, 2.5 इतना भी देते हैं उतना परसेंट देते हैं और सबसे काम कराते हैं। और सैलरी का लालच दे के एजेंटों को जोड़ा जाता है कि मतलब हम आपको इतनी सैलरी देंगे, आपको 10,000, आपको 5,000, आप स्टार्ट करिए। और अभी इन लोगों ने एक काम और नया शुरू किया है कि ये वाली जो कंपनी आके यहाँ छोड़ गए और सब लोग भाग गए। अब जो जहाँ रह रहा है जैसे कोई इंदौर में है या कोई अदर स्थान पर रह रहा तो वहाँ पर इन लोगों ने नई नई कंपनियाँ खोल रखी हैं। जैसे मनोज कुशवाहा ने OYOS मार्केटिंग नाम की एक कंपनी खोल रखी है। अच्छा, ये पैसा कैसे चुकाती है, पैसा लेने के बाद क्या करती है? ये उसकी पासबुक है, ये प्रकृति रक्षक निधि लिमिटेड की। और पैसा इनका मतलब मान के चलो एजेंडा ही रहता है इनका लोगों को फंसाने का, मतलब पैसा लेना है, बाकी कुछ नहीं। बाकी कुछ नहीं, कोई उनका वो नहीं रहता। और हाँ, जितना पैसा आप स्टार्टिंग समय में अपन जमा कर देते हैं, बाद में इनका ये कहना है कि जो आपका कलेक्शन होता है उसी में से आप लोगों का। आपके ललितपुर में ब्रांच कौन खोले हुए थे? ललितपुर में भगवान दास कुशवाहा आए हैं अभी है कि नहीं? अभी नहीं है और वो सपोर्ट में भी नहीं है हम लोगों को, वो सपोर्ट में नहीं। और कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, कुछ नाम बताएंगे? हाँ, मनोज कुशवाहा जी कहाँ के रहने वाले? और अभिषेक कुशवाहा, मनोज कुशवाहा है तालवेट के, यही लोग हैं। हाँ, और अभिषेक तालवेट के बादीवर थाना लगता है, बादीवर बादीवर जखोरा थाना।